गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस जनरल नॉलेज सीरीज। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस जनरल नॉलेज सीरीज। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यस्टरडे आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू यू। द क्वेश्चन वाज, Who is the first Indian actor to be on the jury of Cannes International Film Festival? And the correct answer is Aishwarya Rai. 2017 में इन्होंने इस फेस्टिवल में जूरी मेंबर का काम किया और 1994 में मिस वर्ल्ड चुनी गई। और सबसे पहले करेक्ट आंसर देने वाले स्टूडेंट थे अभय श्रीवास्तव। इन्होंने अपना क्लास मेंशन नहीं किया हुआ है, सो बेस्ट ऑफ लक अभय। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन गवर्नमेंट इज अ। इंडियन गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट, बैरोक्रेसी, विधानसभा गवर्नमेंट। यह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, बैरोक्रेसी है या विधानसभा गवर्नमेंट है। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज इंडियन गवर्नमेंट इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड। इंडियन पार्लियामेंट क्या कहलाती है? लोकसभा, संसद, विधानसभा या फिर विधान परिषद। एंड द करेक्ट आंसर इज संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लोअर हाउस या निम्न सदन किसे कहा जाता है या कौन सा है? योर ऑप्शंस आर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लोकसभा। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, वन इज राज्यसभा एंड अनदर इज लोकसभा। और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है या फिर कौन चुनता है? तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं, और वोट डालने जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन चुनते हैं? इंडिया की जनता। सो द करेक्ट आंसर इज पीपल ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ ईच लोकसभा मेंबर। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि लोकसभा मेंबर का मैक्सिमम टर्म क्या होता है? ऑप्शन आर 3, 4, 5 या फिर 6। एंड द करेक्ट आंसर इज 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया ही था कि अपर हाउस पार्लियामेंट का क्या है। सो ऑप्शंस क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। एंड द करेक्ट आंसर इज राज्यसभा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर एमपी। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। सो करेक्ट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेट्स। राज्यसभा के कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? दैट मीन्स उनका चुनाव नहीं होता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या है? 6, 8, 10 एंड 12। एंड द करेक्ट आंसर इज 12। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नॉमिनेट द 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
राज्यसभा के 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करते हैं? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्य सभा, एमएलए। तो कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेट, लोकसभा के कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? एंड द ऑप्शंस आर 2, 3, 4 या फिर 5। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर यू, यू हैव टू गिव दिस आंसर। और जो बच्चे सबसे पहले आंसर और सबसे सही आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। सो डोंट फॉरगिव टू पुट योर नेम एंड क्लास। हम मिलते हैं मंडे को, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।